आज हम पलसाना चौकड़ी से चार रस्ता से सूरत का वीडियो लेंगे जो हाईवे से जाता है भाटिया टोलना का, वहाँ से सचिन से गबेणी होके खजोत सरसाना और वहाँ से ONGC चार रस्ता होके हम सूरत जाएंगे। जो आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना आपको वीडियो पसंद आए तो, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना कि ताकि आप हमारे जितने भी वीडियो आए सूरत और आसपास के जो भी वीडियो आए वो आप पहले देख सके, सूरत के बारे में आप जान सके। तो हम अभी जा रहे हैं पलसाना चार रस्ता, ये चार रस्ता है पलसाना चार रस्ता, ये ऊपर का ओवर ब्रिज है वो लेफ्ट साइड में जाता है बॉम्बे की ओर, राइट साइड में जाता है अहमदाबाद की ओर जाता है और सीधा जाएगा सूरत। राइट साइड से हम बड़ोदरा तक भी जा सकते हैं ये हाईवे तक, हाईवे से, और सीधा हम जाएंगे अब सूरत। तो चलो देखते हैं हमारी राइट पलसाना चार रस्ता से सूरत तक। सीधा रास्ता हजीरा तक जाता है, आप हजीरा जाना चाहते हैं तो तब भी ये रास्ता आप यूज़ कर सकते हैं, बॉम्बे से आते हैं तब भी ये रास्ता हजीरा जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपको हजीरा तक का वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि मैं सूरत से हजीरा या पलसाना चौकड़ी से हजीरा का भी वीडियो मैं रख दूँगा, तो आप हजीरा जाना चाहते हैं तो हजीरा भी आप जा सकते हैं। ऐसे तो इस हाईवे पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है लेकिन आज थोड़ा छुट्टी का माहौल है इसलिए ट्रैफिक कम है, वरना ट्रक और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रहती है इस रास्ते पे, शाम के समय भी बहुत ट्रैफिक रहता है, ऐसे बहुत मतलब रनिंग ट्रैफिक रहता है, ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ट्रैफिक जाम का तो प्रॉब्लम नहीं रहता लेकिन निकल जाता है। सूरत में आ रहे हो और आपका GJ5 पासिंग नहीं है और आपको भाटिया में टोल लगता है तो आपको डायरेक्ट जाना है सूरत में, तो दूसरा भी रास्ता है उसका भी मैं एक वीडियो बना के रख दूंगा। ये भाटिया टोल नाका से पहले अभी यहाँ पे आएगा तो ओवर ब्रिज आएगा, तो ओवर ब्रिज के नीचे से सीधा आप सूरत में उधना होके जो ये राइट साइड पर दिखाया है वो राइट साइड से आप उधना जा सकते हैं, वो आगे टोल आएगा लेकिन आप टोल से बच के सीधा सूरत में भी आप जा सकते हैं, तो वो भी उसका भी मैं एक दूसरा वीडियो अगली बार रख दूंगा तो वो भी आप देख लेना कि ताकि आप डायरेक्ट सूरत में जा सके टोल नाका से पहले, क्योंकि
यहाँ पे टोल थोड़ा ज्यादा होता है। जो आपको टोल बचा के जाना है तो यहाँ से लेफ्ट साइड के आप निकल जाओ, ये ओवरब्रिज मत चढ़ो। यहाँ से लेफ्ट साइड पे आप निकल जाओगे तो ब्रिज के नीचे से राइट हैंड साइड पे एक रास्ता जाता है, तो सीधा रास्ता वो उधना तक चला जाएगा, तो उसमें आप सीधा टोल से पहले निकल जाओगे, वो सूरत में जाता है। लेकिन बड़ी गाड़ी हो, भारी गाड़ी हो, जो हो ट्रक टेम्पो ऐसा है, उसको नहीं जाने देते ज़्यादातर, तो सिर्फ कार और ऐसी जा सकती है, ट्रक तो यही रास्ते से जाता है। वो आप सामने देख रहे हैं वो टोल प्लाजा है, यहाँ पे सूरत की गाड़ियों के लिए मंथली पास लगता है, वो 275 का पास होता है, और बाहर की गाड़ियों के लिए तो फास्टैग ही चलता है, और फास्टैग में आप उसमें जा सकते हैं, वरना आपके पास फास्टैग नहीं है तो कैश में तो डबल चार्ज लगता है, जितना है उससे डबल लगता है। तो हो सके तो आप अपनी गाड़ी में फास्टैग ही लगवा लो ताकि आपका टोल बच जाए, कम हो जाए। मेरा तो यहाँ से हर रोज जाना रहता है, तो मेरे पास तो मंथली पास है। होजी वाला इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ से होजी वाला SUS SML है और उसका गेट यहाँ पे है, तो ये गेट नंबर 3 है, उससे आप अंदर जा सकते हैं होजी वाला इंडस्ट्रियल एस्टेट में। हाईवे पे 3 गेट लगते हैं उसके, तो आप ये तीसरा वाला गेट था, आगे आएगा दूसरा वाला, और इसके पहले इसके बाद पहला वाला गेट आएगा, तो आप कौन से गेट से जाना चाहते हैं वो उस तरफ से आप अंदर जा सकते हैं। से आप लेफ्ट मुड़ोगे तो ये दूसरे नंबर का गेट है, ये रहा दूसरे नंबर का गेट है, आप यहां से अंदर होजी वाला में जा सकते हो। और आगे जो एक नंबर का गेट है, जो आप एक नंबर के गेट से जाना चाहते हो तो ये ओवरब्रिज नहीं चढ़ना है, यहाँ पे ही लेफ्ट में ही एक नंबर का गेट आ जाएगा, तो आप यहाँ से एक नंबर से भी जा सकते हो होजी वाला इंडस्ट्रियल एस्टेट में। ये रहा एक नंबर का गेट, वो आप यहाँ से अंदर एक नंबर के गेट से जा सकते हो। SEZ है वो लेफ्ट साइड पे, तो वहाँ पे आप जाना चाहते हो तो SEZ में भी जा सकते हो।
दुधना, पांडेसरा, ऊन, भेस्तान उस साइड पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे अगले वाला जो और भी जाएगा उस पर नहीं चढ़ना है, लेकिन यहाँ से नीचे से जाएंगे और फिर राइट में चले जाएंगे तो वो सीधा आप उधना की और पांडेसरा की और भेस्तान की ओर जा सकते हैं। ये और ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ना है, लेकिन आप नीचे से ही जाएंगे तो आप सीधा उधना तक आप जा सकते हैं। ये और ब्रिज सीधा ये जा रहा है, और ब्रिज जो अपना अठवा गेट और एयरपोर्ट तक जा रहा है, और आपको सचिन जाना है फिर तब भी ये नीचे से आप जा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से आप सचिन में भी जा सकते हो। उतर के भी लेफ्ट हैंड साइड पे जा सकते हो, राइट हैंड साइड पे जो ब्रिज के नीचे से रास्ता जाता है वो पूरा और राइट हैंड साइड पे आपको पांडेसरा, उधना और भेस्तान की ओर आप जा सकते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट 14 किलोमीटर है, आप एयरपोर्ट जाना चाहते हो तब भी ये रास्ता आप एयरपोर्ट जा सकते हो, सचिन से एयरपोर्ट भी आप जा सकते हो। सचिन इंडस्ट्रियल का यहाँ से तो आप अंदर जा सकते हो। अभी तो कम ट्रैफिक है यहाँ पे, शाम को थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है ये चार रास्ते पे, लेकिन फिर भी निकल जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, थोड़ा ट्रैफिक रहता है, धीरे धीरे गाड़ी निकल जाती है।
ये बुढ़िया चार रास्ता है, यहाँ से आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो आप बमरोली आप जा सकते हो। तो सूरत में यहाँ से वड़ोद बमरोली जाने का डायरेक्ट शॉर्टकट पड़ता है। आप सामने बिल्डिंग दिख रहा है वो सूरत डायमंड सिटी का बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत सारे डायमंड के ऑफिस आने वाली है। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फाइनल स्टेज पे पहुँच गया है और ये सूरत का बहुत पूरा सारा का सारा डायमंड हब यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है। ऑफिस से ट्रेडमार्क से सब कुछ यहाँ पे आने वाला है और थोड़े दिन में वो काम ख़त्म हो जाएगा तो वो चालू हो जाएगा। उसका रास्ता जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आप वहीं पे जा सकते हैं। और आप ये रास्ता जाएगा वो आप डायमंड सिटी की ओर जा सकते हैं, ये सीधा रास्ता वहां तक जाता है। ये खजोत गांव है तो खजोत एरिया बोलते हैं ये। और यहाँ से आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो पहले यहाँ पे वो सरसाना कन्वेंशन सेंटर है, तो उसमें बहुत सारे सूरत के जो अभी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन होते हैं वो यहाँ से बाजू में ही है 50 मीटर पे, तो आप वहाँ पे जब जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशन होते ही रहते हैं। सारी गाय भैंस रोड क्रॉस करी है तो थोड़ा धीरे से जाना पड़ेगा।
वेसु एरिया में जाने के लिए आप यहाँ से राइट जाओगे तो आप वेसु एरिया में जा सकते हो। ये चार रास्ता से अफवा चौकड़ी बोलते हैं इसको, और यहाँ से आप सीधे जाओगे तो आप वेसु में जा सकते हो। सीधे वेसु में ये सीधा रास्ता जाता है। एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो यहाँ से साइड पे निकल जाएंगे, सीधे जाएंगे तो आप हजीरा जाएंगे, और ये रिंग रोड भी बोला जाता है जो जहांगीराबाद होके जहांगीरपुरा होके भोलपाड़ भी जाता है। तो आप आगे से जाएंगे ऊपर से तो आप वहाँ तक जाएंगे, उसका भी मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। अभी हम जाएंगे सूरत सिटी की ओर। लेफ्ट हैंड साइड पे एयरपोर्ट है, यहाँ पे बहुत सारी फ्लाइट ऑपरेट होती है। अभी सूरत एयरपोर्ट बहुत अच्छा, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी उसमें मिल रही है। यहाँ से नज़दीक ही एयरपोर्ट, अब वहाँ से यहाँ से लेफ्ट राइट जाएंगे तो एयरपोर्ट पर जाएंगे, और राइट जाएंगे तो सूरत सिटी में आप जा सकते हो। ये ONGC भी बोलते हैं, ONGC चार रास्ता भी बोलते हैं उसको, और ये और ब्रिज को ONGC ब्रिज बोलते हैं। आप डुमस बीच पे जाना चाहते हैं तब भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे जा सकते हैं। पहले एयरपोर्ट आएगा, उसके बाद सीधा डुमस जाएगा ये रास्ता। बाजू में सिटी प्लस मल्टीप्लेक्स है, और इसके पास में DGB होटल है, और वो पीछे वाला है मोंटेसा है राजन्स का, बहुत अच्छा बिल्डिंग है। आज जाएंगे सूरत सिटी में एयरपोर्ट के लिए, दूसरा वीडियो बनाएंगे वो आप देख लेना। साइड पे ONGC कॉलोनी है, और राइट हैंड साइड पे है L&T की है कॉलोनी। सूरत एक क्लीन सिटी माना जाता है, बहुत अच्छा क्लीनिंग रहता है यहाँ पे, और क्लीनिंग में भी उसका नंबर भी आता है, क्लीन सिटी में भी नंबर आ रहा है सूरत सिटी। तो आप सूरत में घूमना चाहते हैं तो वीडियो जरूर जरूर से देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि सूरत के और उसके आसपास के सब वीडियो आपको मिल सके और आप देख सके सूरत सिटी। वो वहाँ पे भारत का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग दिख रहा है, वो बहुत ऊँचा है और बहुत बड़ा भी फ्लैग है। और यहाँ पर हम आ गए हैं VR मॉल पे, ये सामने VR मॉल है। बढ़िया मॉल है, आप VR मॉल में जाना चाहते हो तो आप VR मॉल जा सकते हो। आज आगे वही जंक्शन बोलते हैं, ये वही जंक्शन से सीधे आप
जाओगे तो अठवा गेट तक जाएगा रास्ता, राइट हैंड साइड जाओगे तो ये उतना मगदल्ला रोड भी बोलते हैं उसको राइट हैंड साइड पे, और यूनिवर्सिटी रोड भी उसको बोलते हैं। ये वाई जंक्शन है। तो ये रास्ता हो गया पलसाना से सूरत वीआर मॉल और वाई जंक्शन तक का।